नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मेरा नाम अभिनय राजपूत और आज हम निकालने वाले हैं अर्थवर्क की क्वांटिटी कि मैन्युअली एंड अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सेंटर का FRL लिया है। FRL लेकर के एज का हम कैम्बर का FRL बना लेंगे। तो अपना सबग्रेड है, सबग्रेड 7.13 LHS है और 7.13 RHS है। तो सबसे पहले LHS का बना लेंगे। तो एज इक्वल टू सेंटर का FRL माइनस कोष्टक बंद और ये LHS का कैम्बर इनटू विड्थ क्या 7.13 कोष्टक बन इंटर, ये LHS के एज का RL हो गया। अभी RHS का बना लेंगे। एज इक्वल टू सेंटर का FRL माइनस RHS का कैम्बर, पहले इसमें लगा लेंगे कोष्टक कोष्टक माइनस RHS का विड्थ 7.13 इंटर, ओके। हम इन तीनों का एवरेज कर लेंगे कोष्टक लगा के। सेंटर का FRL प्लस LHS का FRL प्लस RHS का FRL कोष्टक बंद डिवाइड बाय 3, ये हो गया टॉप एवरेज FRL। FRL हो गया। अभी अपने को OGL पे जाना है। तो मैंने ये प्लांट प्रोफाइल का OGL लिया हुआ है। अगर आपके पास प्लांट प्रोफाइल का OGL नहीं है तो जो भी आपने अपसेट बाय अपसेट एज पर साइट का OGL उठाया हुआ है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये रोड के सेंटर का OGL है और ये LHS का OGL है और ये RHS का है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। सेंटर प्लस LHS प्लस RHS डिवाइड बाय 3। ये अपना OGL आ गया। अभी अपने को सबग्रेड का FRL बनाना है क्योंकि ये जो FRL है ये BT टॉप का है। ये सेंटर का जो FRL ये BC टॉप का है और इसमें हम जब क्रस्ट माइनस करेंगे तो अपना सबग्रेड का टॉप का FRL आएगा। तो एज इक्वल टू सेंटर का FRL और क्रस्ट कितना है 200 का GSB है और WMM 250 का है, DBM 80 mm का है और BC 40 mm का है। ये टोटल मिला के क्रस्ट बनता है 570 mm। तो इसमें माइनस करेंगे हम 570 mm। तो ये सबग्रेड का टॉप का FRL हो गया। अभी स्कीम टोटल हाइट निकालेंगे। टोटल हाइट के लिए FRL सबग्रेड का FRL माइनस OGL इंटर, ये टोटल अर्थवर्क की हाइट हो गई आपकी। अभी अपने को चाहिए टॉप ब्रिथ। टॉप ब्रिथ क्या है, ये 7.13 LHS और 7.13 RHS। तो ये टोटल ये हो जाएगा 14.260 और इसको नीचे स्लाइड करके ओके कर देंगे। यानी टोटल टॉप ही अपना 14.260 ही है, ये फिक्स है एकदम। जो भी चेंजिंग होगा वो बॉटम ब्रिथ में होगा। अभी बॉटम ब्रिथ निकालने के लिए हम
इज इक्वल टू टोटल हाइट इंटू फोर। फोर हम इसलिए करेंगे कि 2m1 का स्लोप है, तो 2 LHS का और 2 RHS का इंटू फोर और प्लस टोब्रथ क्या है 14260 इंटर। ये आपकी बॉटम ब्रिथ होगी। अभी इसकी एवरेज ब्रिथ बनाएंगे। एवरेज ब्रिथ बनाने के लिए हम इसको टॉप ब्रिथ करेंगे और प्लस बॉटम ब्रिथ डिवाइड बाय 2। इन दोनों की ये एवरेज ब्रिथ आ गई है और ये आपकी ब्रिथ निकल के रेडी है। अभी हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए एवरेज ब्रिथ करेंगे इनटू टोटल हाइट इंटर और ये आपकी एरिया निकल गई। अब एरिया निकलने के बाद में हम इसका मीन एरिया निकालेंगे। मीन एरिया निकालने के लिए टॉप एरिया और प्लस बॉटम एरिया और डिवाइड बाय 2, ये आपकी आ जाएगी मीन एरिया। अभी ये इंटरवल डाल देंगे यानी 20-20 मीटर का अपना चेंजेज है। ये 100 200 100 है, 120 140 160 यानी 20-20 मीटर का डिफरेंस है। डिफरेंस अपने डालना है 20। ये हर चेंज पे 20-20 मीटर का डिफरेंस हो गया। अभी इसका लास्ट स्टेप क्वांटिटी, तो इंटरवल इनटू मीन एरिया इंटर करेंगे और प्लस के आइकन पे दबा कर उसको नीचे स्लाइड कर देंगे। बस इसको सम कर देंगे, ये आपकी क्वांटिटी निकल कर रेडी है। इसी प्रकार से हम मैनुअली तरीके से अगर हम क्वांटिटी निकालते हैं रोड में तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आज के लिए इतने ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।